नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। इन शब्दों के अपने आप में एक मायने हैं, लेकिन क्या वाकई में इन शब्दों के मायने, जिनमें एक दूसरे के लिए कुशल क्षेम पूछी जाती है और दुआएं की जाती है, क्या उनके अंदर भी आज के तौर पर नफरती बीज बोई जा रही है? क्या वाकई में अगर आप किसी को राम राम कहें और उधर से राम राम का जवाब ना आए तो क्या धार्मिक संकीर्णता है? अगर कोई अस्सलाम वालेकुम कहे और उधर से वालेकुम अस्सलाम ना आए तो क्या यह धार्मिक संकीर्णता है? दरअसल मामला इससे और आगे है। सोचिए जरा, जो जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार पदों पर हैं, जिनका मकसद होना चाहिए कि सामाजिक सौहार्द को बनाकर रखें और इस कदर बनाकर रखें कि वहां अगर कोई बिखरन महसूस हो तो उसको भी जोड़ दें। आप सोचिए, दुनिया में कितने लाख ऐसे लोग होंगे जो अजमेर दरगाह जाते होंगे सजदा करने के लिए, लेकिन क्या एक बयान आए कि अगर मुसलमानों के घरों के बाहर कोई नारे लगाएगा तो मुसलमान एकजुट हो जाएगा और हिंदुओं की इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा, तो क्या हिंदू बेखौफ होकर अजमेर दरगाह जा पाएगा, वहां सजदा कर पाएगा? और ऐसी ना जाने कितनी दरगाह हैं जिनको लेकर आस्था बनी हुई है, और यह दरगाह नहीं है, दरअसल यह सामाजिक सौहार्द की दिशा है। ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिनको लेकर आस्था होती है, लेकिन जो जिम्मेदार बैठे हैं अगर वो भड़काऊ बयान देंगे तो सवाल सबसे पहले यह कि क्या वाकई में उस जिम्मेदार पद के लिए हैं? दूसरा, क्या देश में धार्मिक कट्टरता को फैलाने में इन्हीं का सबसे बड़ा रोल है? और इन विवादित बोल के बाद समाज को क्या मैसेज ये देना चाहते हैं और सरकारों को ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? आज बात इसी मुद्दे पर। ये तो इंतहा हो गई। अगर हिंदू एक होकर रहेंगे तो फिर हम मुसलमान ये बात कहेंगे? फिर फूल तो बरसेंगे नहीं, जो हुआ तो यही होना था। तो क्या देश के अंदर तालिबानी राज है? क्या वाकई में कानून मायने नहीं रखता? और क्या अगर किसी ने गलती की तो फूल नहीं बरसेंगे, गोलियां बरसेंगी, छर्रे बरसेंगे? और अगर किसी ने गलती की तो क्या उसको हमेशा के लिए जान से मार दिया जाएगा? क्या देश में यही चलता रहेगा? सबसे पहले जरा देखिए, अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने बयान दिया क्या है। वो कह रहा है कि बहराइच और बाबा सिद्दीकी की हत्या पर विवादित बयान देते हुए कि हिंदू अगर मुसलमानों के घरों के बाहर नारे लगाएंगे, उकसाने पर मुसलमान भी चुप नहीं बैठेगा, हिंदू एकजुट हो सकते हैं तो मुसलमान भी एकजुट हो सकता है, और फिर मुसलमान फूल नहीं बरसाएगा, वही होगा जो हुआ है। क्या होगा? क्या गोलियां चलेंगी? क्या घरों में घुसकर मारा जाएगा? क्या लहू बहाया जाएगा? क्या कानून कि किसी को कोई फिक्र नहीं? कमाल की बात यह है कि यह सरवर चिश्ती पहली बार ऐसा बयान नहीं दे रहा है, और मैं ऐसी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वो इस तरीके के बयान दे रहा है, वरना शब्दों में मेरे वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं सम्मान होता, लेकिन सम्मान इसलिए नहीं क्योंकि वो धार्मिक कट्टरता को फैला रहे हैं। जरा देखिए, इससे पहले उन्होंने कब कब क्या क्या बयान दिए। तारीख 15 जून 2022, अंजुमन जातगान के चुनाव के बाद सरवर चिश्ती ने कहा था कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नबी की शान में गुस्ताखी कभी कबूल नहीं करेंगे, अगर ऐसा करोगे तो हिंदुस्तान हिल जाएगा। पूरे देश को चुनौती दी, उस मातृभूमि को चुनौती दी जिसमें वो पैदा हुआ, जिसकी जमीन में बड़ा हुआ, जहां से वो सरवर चिश्ती बना है। दूसरा बयान 26 जून 2022, अजमेर में सकल हिंदू समाज ने एक शांति मार्च निकाला था। इसके बाद सरवर चिश्ती का एक वीडियो सामने आया था। वो कह रहा था कि मुस्लिम समाज ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर जुलूस निकाला था, लेकिन बाद में हिंदू समाज ने जुलूस क्यों निकाला? इससे भावनाएं आहत हुई हैं। मुसलमान ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रशासन के जुलूस निकालने की इजाजत से जले पर नमक छिड़का गया, इससे हम दुखी हैं। और सोचिए, जब फलस्तीन में कुछ हो रहा होता है, यहां प्रदर्शन हो रहा होता है, जब CANA की बात हो रही होती है, वहां बाकायदा शाहीन बाग बन रहा होता है, उस दौरान कुछ नहीं हो रहा होता है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने और प्रदर्शन करने का हक है, तो क्या इसे हिंदुस्तान हिल जाएगा? इससे भी बड़ी घटना घटी और बयान आया
बयान आया 2 जून 2023 को। आपको ध्यान होगा अश्लील ब्लैकमेल कांड पर आधारित फिल्म अजमेर 92 बनी थी, इसको लेकर शर्वर चिश्ती ने क्या कहा था? कहा था कि लड़की चीज ही ऐसी है, आप उसकी मानसिकता को सोचिए सर। वो कह रहा है कि लड़की चीज ही ऐसी है, बड़े बड़े फिसल जाते हैं, मानो जाकिर नायक को फॉलो करता हुआ आदमी। वो कह रहा है कि आदमी पैसों से करप्ट नहीं हो सकता, लेकिन जहां वो फिसल जाता है। और वो सीधे तौर पर कह रहा है कि जिन्होंने ऐसा किया वो शायद गलत नहीं थे, और अब तो वो सीधे भड़काने की बात कर रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी मौजूद हैं, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष सैयद साहिबे आलम साहब। साहिबे आलम साहब, शुरुआत आपके साथ। मैं तो राम राम के बदले अस्सलाम वालेकुम कहता हूं अगर मेरा कोई भाई है, और आपके साथ भी हमेशा यही रहा है, लेकिन क्या वाकई में अगर एक आदमी कुछ गलती कर रहा है तो क्या पूरे समाज को धार्मिक आधार पर एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकालने के लिए उत्साहित कर दिया जाए? इतने बड़े पद पर बैठकर इतना छोटा बयान? नहीं, ये बिल्कुल बयान जो उनका आया है, ये सरासर उनका अपना निजी बयान हो सकता है, इससे मुस्लिम समाज इत्तेफाक नहीं रखता है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं विजेंद्र जी, ऐसी कट्टर मानसिकता, ऐसी सोच मुस्लिम समुदाय में नहीं है। ये कुछ तथाकथित लोग होते हैं, जैसे कि आप कहते हैं ना, कुछ तथाकथित लोग हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म और समुदाय में होते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं वो इंतजार पैदा करना चाहते हैं, मुल्क की शांति और उसकी एक जयिता में आग लगा देना चाहते हैं। मुस्लिम समाज का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका निजी बयान हो सकता है, उनकी निजी राय हो सकती है, इसमें उनका कोई अपना रोल हो सकता है, मुस्लिम समाज का इसमें कोई रोल नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, ये शर्मनाक और निंदनीय घटनाएं हैं। बिल्कुल, सभी समाज वर्ग और मिल्लतों को सिर जोड़कर बैठना पड़ेगा कि हम कब तक शर्मिंदा होते रहेंगे इस समाज संकट को। लेकिन साहिब आलम साहब, इनके खिलाफ कुछ कीजिए ना भाई, मैं गलती से भी ये कह रहा हूं, गलती से कह रहा हूं सर, हो सकता है मैं गलत हूं, आप सही कीजिए मुझे, कि अजमेर दरगाह में सजदा करने के लिए हमारे जितने मुस्लिम भाई जाते होंगे ना, उतनी ही तादाद में हिंदू भाई भी जाते होंगे, अब वो किस तरीके से जाएं जब वहीं से ऐसे बयान आ जाएं? उससे ज्यादा जाते हैं। बिल्कुल, हमारे मुस्लिम भाइयों से ज्यादा हमारे हिंदू भाई दरगाह पे जाते हैं, उनकी आस्था और उनकी जो नियत होती है, उनकी जो प्राइवेसी और उनकी जो सुरक्षा होती है, सब पूरा ख्याल रखा जाता है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि एक आदमी का बयान उसका खुद का बयान हो सकता है, वो समस्त मुस्लिम समाज का बयान नहीं हो सकता। लेकिन सर, जो मानते हैं, जो मानते हैं वो तो फॉलो करते हैं, मजम्मत करता हूं। मुझे तो यही सोचकर समझ नहीं आता कि जाकिर नायक जैसे आदमी को मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं, और आप जानते हैं सर्च इंजन पर, गूगल पर जाकिर नायक को सबसे ज्यादा कहां सर्च किया जाता है? हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। आप सोचिए जरा, तो क्या यह आदमी हिंदुस्तान में जाकिर नायक बनना चाहता है? महिला विरोधी सोच उसकी पहले एक्सपोज हो चुकी है, और अब वो कट्टरता पर लाना चाह रहा है। नहीं, अगर कोई जाकिर नायक बनना चाहे या कोई अगर जिगर जो भी बनना चाहे, मैं ये कहता हूं कि उनके जिस तरह के फॉलोअर्स रहे या उनके रहनुमा के जो रहनुमाई करने वाले लोग हैं वो उनको फॉलो करें, लेकिन जो भारत के संविधान को मानते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूशन और आईन और दस्तूर को मानते हैं, कानून को मानते हैं, एक जयिता, अखंडता, मोहब्बत को मानते हैं, वो कभी इन जैसे लोगों के फॉलोअर्स नहीं बन सकते, ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। लेकिन सर, ये संख्या कितनी है, किन लोगों की संख्या जो उनको फॉलो नहीं करते? क्योंकि समस्या यह है कि जो फॉलो करते हैं, यह संख्या बहुत ज्यादा है सर, और इसलिए समस्या है। अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे होते तो प्रोग्राम ही नहीं हो रहा होता, अगर उसके बयान के मायने नहीं होते तो प्रोग्राम ही नहीं हो रहा होता सर। किसी वीडियो को, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, किसी वीडियो को देखना या उसको लाइक करना फॉलोअर्स की निशानी नहीं होता है। ऐसे लोगों से कहिए कि एहतजाज कर दीजिए, खुल के सड़कों पर आ जाइए, महापंचायत और आंदोलन कर दीजिए, आज तक मुसलमान हकों से महरूम है, एक महापंचायत मुसलमानों के कल लिए कर दीजिए, फिर देखता हूँ कितने फॉलोअर्स आते हैं, कितने मुसलमान के पक्षों में आते, कोई नहीं आने वाला। ठीक है सर साहिब आलम, इसलिए हम आपको ऐसे प्रोग्राम के अंदर जोड़ते हैं सर, इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि हम सबको साथ ही रहना है और साथ रह रहे हैं।
और हम दूसरे के एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, गर्दन काटने के काम नहीं आते हम लोग। वापस मैं आपके पास आऊंगा सर। शैलेंद्र गुर्जर जी, इधर उधर की बात इस प्रोग्राम में आज मत कीजिएगा। मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं, क्या बयान गलत है? क्या बयान राजस्थान और देश की शांति को भंग करने वाला है? क्या भड़काने वाला है? निश्चित तौर पर आप देखिए, जो सरवर चिश्ती ने बयान दिया है बहुत ही निंदनीय, जितनी उसकी निंदा की जाए कम है। और मुझे तो अफसोस ये होता है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो एक मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े संत थे, सूफी संत थे, और जिनके फॉलोअर्स ना केवल मुस्लिम समाज में, दूसरे अदर समाजों के लोग, धर्म के लोग भी उनको फॉलो करते थे, जो हमेशा प्यार मोहब्बत का पैगाम की बात करते थे, जो हमेशा अमन चैन की बात करते थे, जो हमेशा ईश्वर की इबादत में लगे रहने की बात करते थे, डिवोशन की बात करते थे, सामाजिक स्वार्थ की बात करते थे, और उसके खादिम इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप वहाँ किस पाठशाला को चला रहे हैं। और आलम साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं सैयद आलम साहब से, आप बताइए, आप अखिल मुस्लिम महासभा के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, क्या कोई फतवा जारी करेगा? आपकी संस्था या किसी भी मुस्लिम संप्रदाय या संगठन ने कोई फतवा जारी किया या कोई निंदा की है? आप बताइए। फतवा नहीं चाहिए सर, एक्शन चाहिए। अगर आप या तो ये कहिए कि बयान सिर्फ निंदनीय है, इस पर कार्रवाई की जरूरत नहीं, या अगर आप ये कह रहे हैं कि भड़काऊ बयान है, तो देश में शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए जो आदमी माहौल बना रहा है, उस पर कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो मैं बात आलम साहब ने इस चैनल के माध्यम से पूरी राजस्थान की जनता के सामने कहा, तो मैं तो उसी को आगे बढ़ा रहा हूं कि आपकी संस्था करे एक्शन भी ले उनके खिलाफ। आप बुलाइए महापंचायत, करिए उनको बेदखल मुस्लिम समाज से, है हिम्मत आप में तो इसलिए क्या है यहां बात करना और उसको करके दिखाना। लेकिन उनके जो बयान है बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, उस पर कार्रवाई होगी। और अफसोस मैं ये बता रहा हूं, हमारे हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े ख्वाजा हुए, मोइनुद्दीन चिश्ती हुए, नवाजुद्दीन औला हुए, और आप अनगिनत साधु संत हुए जो सूफी संप्रदाय को आगे लेकर चले, जो पैगाम जो वो देकर गए, क्या वो उनमें झलक दिखती है? वो भूल सकता है क्या राजस्थान अजमेर ब्लैकमेल कांड को, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का सेक्स स्कैंडल था, कौन इन्वॉल्व थे? वही पूरे खादिम लोग इन्वॉल्व थे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह पे सेवा देते थे। तो शर्म आती है बोलने से पहले। कार्रवाई करने से आपको कोई रोक रहा है? निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी विजेंद्र जी, आप देखिए उन्होंने बयान दिया है, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। किसी को भी अधिकार नहीं है कि आप इस राजस्थान या हिंदुस्तान के सौहार्द को बिगाड़े, चाहे कोई भी हो। और जिस हिसाब से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, आप बताइए ना, कब नमाज पढ़ी गई, किसने पत्थर बरसा दिए? बताइए, कभी नमाज पढ़ते हुए कहीं पत्थर बरसे देखे हैं क्या आपने? हिंदुस्तान की एक घटना बता दीजिए। आप सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं, आप अंदर मस्जिद में पढ़िए, सड़क पे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं आपको नमाज। हम मंदिरों में अंदर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आप बताइए, जब भी हिंदू धर्मों के जुलूस निकलते हैं, शोभा यात्राएं निकलती है, रथ यात्राएं निकलती है, कौन उस पे पत्थर बरसाता है? कौन बोतलें फेंकता है? कौन तलवारें लहराता है? ये बताइए ना, आपने एक अपना पर्टिकुलर एक पूरा डेमोग्राफी इस तरह की बना दी है कि वहां से निकलने में आप, प्रशासन कहता है वहां से नहीं निकल सकते, ये क्या है? तो सौहार्द कौन खराब कर रहा है, ये बहुत सोचने का विषय है। और सोचना क्या, इसमें आगे आदमी है, कीजिए क्या करेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर करेंगे। आप बताइए, आपको ये धमकी देने की आवश्यकता क्या पड़ क्यों थी? आप धमकी दे रहे हैं, क्या धमकी देंगे आप बताइए मुझे? आप खुद हिंदू थे, आप बताइए, इस्लाम तो 1400 साल पहले आया था। आप भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले सारे जो लोग थे वो हिंदू थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया, वो इस्लाम धर्म को के फॉलोवर्स हो गए। आप बताइए ना, आपका डीएनए, हमारा डीएनए तो एक ही है। और सिर्फ एक्शन की बात कर रहा हूं आपसे, सिर्फ क्यों नहीं जाएं आप? विजेंद्र जी क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल क्यों नहीं जाएंगे? मैं तो पूछना चाहता हूं, वर्तमान संकीर्णता क्या है आपको? बताइए ना, इनके धर्म परिवर्तन है सर, मुस्लिम धर्म को चलाने वाले पैगंबर साम के गॉडफादर कौन थे? यहूदी थे। नहीं होता है, बताइए, क्रिश्चियनिटी भी यहूदी से निकले हुए हैं, पैगंबर भी यहूदी से निकले हुए हैं। तो आप बताइए ना, तो जो अरब कंट्रीज हैं वो हिंदुस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान के सवाल क्या किया मैंने आपसे? मुसलमान नहीं मानती है? इतिहास गूगल पर जाकर लोग पढ़ लेंगे, सबको पता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो बयान दिया गया उस पर राजस्थान सरकार क्या एक्शन लेगी? निश्चित तौर पर एक्शन लेगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस चैनल के माध्यम से। राजकुमार शर्मा, ऐसा बयान बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गली में चलता हुआ कोई व्यक्ति अगर बयान देता है तो मायने नहीं होते हैं, और उसको गंभीरता से लेना भी नहीं चाहिए। और इतना बड़ा देश है, घटनाएं घटती हैं, आप उनको रोक भी नहीं सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर इतने बड़े पद पर आदमी कोई बैठा है जहां से वैश्विक संदेश जाता है और वहां से भड़काऊ भाषण हो, तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
बिल्कुल विजेंद्र, कार्रवाई तो होनी चाहिए। कोई भी भड़काऊ बयान देता है जिससे राजस्थान की, प्रदेश की, देश की एकता, अखंडता, प्यार, मोहब्बत सब भंग होती है, चाहे किसी भी धर्म का कोई प्रमुख आदमी हो या छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, किसी को भी ये हक नहीं है कि वो हिंदुस्तान की, राजस्थान की, जयपुर की एकता, अखंडता, प्यार, मोहब्बत को, सौहार्द को बिगाड़ने का वो प्रयास करे। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार जो भी कार्रवाई इसमें कानून सम्मत हो सकती है वो करे, और ऐसे किसी भी व्यक्ति को भविष्य में हक नहीं मिले कि वो देश का या प्रदेश का माहौल बिगाड़े। तो कांग्रेस इसको लेकर पॉलिटिक्स नहीं करेगी, ये क्लियर है। कांग्रेस तो ऐसे मामले में पॉलिटिक्स कभी करती ही नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने बयान दे दिया अभी। अब आपके चैनल पे मेरे साथी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये घटना घट गई है, बयान उनका आ गया है। अब तक 12, 14 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे हो गए होंगे, क्या एक्शन हुआ? एक्शन तो कुछ तो किया होगा ना, कोई कांस्टेबल गया होगा, कोई पर्चा गया होगा, कोई एप्लीकेशन उनके द्वार पे पहुंची होगी, कोई सम्मन गया होगा, कुछ तो हुआ होगा। लेकिन सरकार तो सोई हुई है, सरकार तो अता पता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा करें, ऐसे कोई भी करे कार्रवाई होनी चाहिए। जुड़ गए हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम हरदेनिया जी। सर कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण ने भी 100 माफियों गलतियों को माफ किया था। कहने का मतलब यह कि हर चीज की एक लिमिट तो तय करनी पड़ेगी सर, कि उस लिमिट के बाद अगर कोई बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है, बार बार समझाने के बाद भी नहीं मान रहा, बार बार देश के अंदर भड़काऊ बयान दे रहा है, धार्मिक आधार पर उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। कब तक माफी चलती रहेगी? क्योंकि माफी का खामियाजा वो खुद नहीं भुगतता है, समाज भुगतता है सर। जी बिल्कुल विजेंद्र जी, आपके बिल्कुल सही वक्तव्य हैं इस विषय में, और मैं उसी विषय में हमारे जो पुराने शास्त्रों में कुछ एक वक्तव्य है उनको मैं आप यहाँ कोट करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया बात कही है हमारे यहाँ के विद्वानों ने, उन्होंने कहा है यथा चित्तम तथा वाच, यथा वाच तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता। ये अपने आप को साधु बताते हैं, साधु मतलब मुस्लिम संप्रदाय में मौलवी बताते हैं, अपने आप को एक उस धर्म संप्रदाय का नुमाइंदा बताते हैं। क्या इनका मन, वचन और जो कार्य है उन सब में एक समानता है? अगर ये नहीं है तो फिर हमको, मेरे ख्याल से उस समाज को इनको बहिष्कृत कर देना चाहिए, ऐसे लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं बढ़ने देनी चाहिए। क्योंकि आज ये स्टंट चल रहा है कि कोई व्यक्ति एक अपने आप को समाज का नुमाइंदा बना करके और भड़काऊ भाषण दे देता है, और आकर के उस समाज के लिए वो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। हो सकता है जैसे कि सैयद साहिब आलम जी ने बताया कि उनका उस समाज से ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमको ये भी नहीं पता कि ये किस आधार पर ये कह रहे हैं। क्योंकि समाज के कुछ लोग जी, आज मैं सिंगल लाइन डिबेट कर रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं कि जब किसी इलाके में बम फटता है ना सर, तो सिर्फ उस इलाके पर असर होता है जी, और जो बम फोड़ता है ना उस पर कार्रवाइयां होती है, सलाखों में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से लोगों की जान जाती है, जख्मी होते हैं। ये वो परमाणु बम होते हैं सर बयान, जो समाज में कब विस्फोटक बन जाए और कितने इलाके को सदमे ले ले कोई नहीं जानता है। फिर इन पर कार्रवाइयां क्यों नहीं? क्यों इस पर सिर्फ ये कह दिया जाए कि बयान सिर्फ भड़काऊ है, आगे से नहीं होना चाहिए, हम निंदा करते हैं। अब इसी बयान की वजह से अगर कोई घटना घट गई तो जिम्मेदार कौन होगा फिर? मैं यही बात आगे बताना चाह रहा हूं विजेंद्र जी, कि ऐसे व्यक्तियों के लिए ये कहना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन समाज में किस लोगों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा ये लोग जानते नहीं है। तो ऐसे लोगों पर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल इसमें पक्षधर हूं और मैं पूर्ण रूप से इस चीज के लिए सहमत हूं कि ऐसे लोगों को तो जितना जल्दी हो सके कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर कर देनी चाहिए। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। साहिब आलम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन साहिब आलम साहब आप बात को कहिएगा, मैं अपनी बात बता रहा हूं। जिस स्कूल के अंदर मैं पढ़ता था ना सर, उस स्कूल में सुबह सुबह एक प्रेयर सुनाई जाती थी, या कहीं कि हम प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे। प्रार्थना के बोलते तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम, कृष्ण खुदा हुआ। ये हमें बचपन से स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और अब ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। अब बताइए हम बचपन की उन बातों को याद रखें, जो इस वक्त जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं उनके बयान पर गौर फरमाएं। नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन एक दर्द सा होता है, कीस सी चुपती है। मैंने इतना खंडन किया, मजम्मत की, उसके बावजूद मेरे साथी वक्ताओं ने कहा कि ये भी उस समाज का हिस्सा है, ये भी उस समाज में रहते हैं, ये भी समाज को मानते हैं। अरे तो फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि कानून और प्रशासन और सजा और सजा ना देना मेरे हाथ में थोड़ी है, समाज के हाथ में थोड़ी है। कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, फॉलो कीजिए, डालिए सलाखों के अंदर। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? एक बात। दूसरी बात ये कि सिर्फ सर्वर चिश्ती ही या नायक जैसे लोग ही नहीं,
रामपाल जो एक महान साधु था जिसने हरियाणा के अंदर गोलियां चलाई, अपने समर्थकों के साथ पथराव करवाए, और राम रहीम जो है गुरु राम रहीम जो अंदर जाता बाहर आता रेप करता बलात्कार करता फिर समाज में पैरोल से छूट के आता है, आसाराम अंदर है, तो इनके फॉलोअर्स कौन है? फिर इनके फॉलोअर्स मुस्लिम तो नहीं है ना? आज भी हिंदू समाज के लोग इन्हें अपना आदर्श माने बैठे। आपने उदाहरण देकर, साहिब आलम साहब आपने उदाहरण देकर ये एस्टेब्लिश कर दिया कि भाई उनको सलाखों में डाल दीजिए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि जिनका जिक्र आप करें ना उन पर कानूनी कार्रवाइयां हो रही हैं और उनको सलाखों में डाला जा चुका है। तो करिए ना इस बात का इंतजार। ये कह रहे हैं कि उनको फॉलोवर मानते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे तथाकथित बाबाओं के तो हमारे हिंदू समाज के भाई भी आज तक फॉलोवर बने बैठे। ठुकराइए, बहिष्कार कीजिए, खुल के सामने आइए। ठीक बात, मैं भी खुल के सामने आ रहा हूं, आप भी खुल के सामने आइए। शैलेंद्र गुर्जर जी, अब बताइए, मुस्लिम समाज भी कह रहा है कि ऐसे आदमियों को आप सलाखों में डाल दीजिए, अगर कानून सम्मत उन्होंने गुनाह किया है तो कोई उनके साथ नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आलम साहब इस बात पर कहते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मेरा जो कहना था वो यही था कि आप एक संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तो उस संस्था का भी कोई कर्तव्य बनता है। आपने क्या कोई इनको लेटर लिखकर कहा कि आपने इस तरह के शब्दों का क्यों प्रयोग किया? क्यों राजस्थान हिंदुस्तान के स्वार्थ को बिगाड़ने का काम किया? क्यों आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह पे इस तरह के सेवाकार होकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं? मैं तो ये बोलना चाह रहा था आलम साहब, मेरा वो नहीं था। अब देश फतवे से चले या कानून से चले, आप क्यों चाह रहे हैं कि वो फतवा दे? तो, आप नहीं, नहीं, मैंने इस बात फतवे की बात नहीं, मैंने कहा अगर मुस्लिम समाज के कोई संगठन है क्या उनसे उनसे कोई आवाज उठी क्या, मेरा ये प्रश्न था। इन्होंने घुमा दिया आलम साहब ने। लेकिन कानून अपना काम करेगा, जांच चल रही है, निश्चित तौर पर इनको भी इनके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। लेकिन मेरा उनके कहना यही है, एक बयान का जिक्र कर रहा हूं आपके सामने, बटोगे तो कटोगे, अब बताइए क्या हुआ इसका? बयान याद है शैलेंद्र गुर्जर जी? याद है, बटोगे तो कटोगे, अब इसका मतलब क्या था? आपको समझना पड़ेगा। देखिए, हिंदू धर्म और संस्कृति को समझने की आवश्यकता है, जो हमारी सभ्यता है उसको समझने की आवश्यकता है। किस तरह से? देखिए, नहीं, सनातन धर्म है, हिंदू जीवन शैली, बिल्कुल जीवन शैली है, सनातन धर्म है, पुरातन धर्म है, और इस्लाम तो अभी 1400 वर्ष पूर्व आया हुआ, हमारा इतना पुराना धर्म है, हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हैं। बचपन में आपकी बात हुई हो, बचपन की बात नहीं, बिल्कुल जो ऐतिहासिक तथ्य है ना, तो हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का मुसलमान असली मुसलमान नहीं है, कन्वर्टेड है। अरब और तुर्क लोग भी इनको नहीं मानते मुसलमान। मैं आज ही मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूं, इन्होंने फॉलो किया, मैं ये नहीं कह रहा, वो भी इनको दोयम दर्जे का ट्रीट करते हैं, गलत है, मैं खुद इसकी निंदा करता हूं। कहां ले गए भाई आप, समझ ही नहीं? आप दोयम दर्जे आज राजस्थान क्या यहां आप बताइए, क्या हिंदुस्तान में दर्जे का ट्रीट किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, यही मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान में मुसलमान भाई जितने सुरक्षित है, जितने सम्मानित है, जितना उनको मान सम्मान मिल रहा है, जितना वतन उनको जो काम यहाँ कर रहे हैं, जितना मान सम्मान यहाँ मिल रहा है, आप देख लीजिए ना, अरब कंट्रीज को, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान, क्या हालात है। शैलेंद्र गुर्जर जी, पहले तो एहसान वाली बातें नहीं, भाई ये देश उनका है और जैसे सबको मिलता है उनको भी मिलता है, कोई एहसान नहीं हो रहा है, वो इस देश के नागरिक हैं। हमारी तो नीति यही है। अरे सर, नीति होनी चाहिए भाई, मैं आपसे ये सारी योजनाएं बिना पक्षपात के चल रही है भाई, होना चाहिए सरकार भाई आपकी है। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई है, लेकिन गुर्जर जी अगर इस तरह के बयान देकर सरकारें संविधान की शपथ लेती हैं, सर संविधान की, अब मैं आ रहा हूँ वापस मुद्दे पर, मैं वापस मुद्दे पर आ रहा हूँ। कैसे हो गया? सर मैं वापस मुद्दे पर, किसी मौलाना ने, चिश्ती ने, किसी ऐसे ही इमाम ने कोई बयान दिया और उसकी घटना परिणति क्या हुई, तो मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, अब आए ना वापस, अब बताइए क्या कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर, मैंने कहा ना, मुझे अभी जानकारी मिली है, जांच चल रही है, निश्चित तौर पर इन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, घनश्याम हरदेनिया जी, क्या वाकई में, क्योंकि मैं कंफर्म कह सकता हूं कि मुझे बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलेगी, और मैं इसको लेकर ऑलमोस्ट कंफर्म हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं गलत सिद्ध हूं, लेकिन यह संभव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपको लग रहा है वाकई में कोई बड़ा एक्शन हो सकता है? घनश्याम हरदेनिया जी, चलिए वापस उनको जोड़ेंगे। राजकुमार शर्मा जी, क्या इस तरीके के बयानों का समाज में कोई भी ऐसा दिखता है जो इसको सपोर्ट करता हुआ नजर आए? और कांग्रेस, क्योंकि
कांग्रेस कहती है कि भाई धार्मिक तौर पर बीजेपी उन्माद फैलाती है, अगर यहां कार्रवाई होगी तो उसको ये चोला तो नहीं पहनाया जाएगा। विजेंद्र जी, इस तरह के बयानों का समाज में कोई स्थान नहीं है। ऐसा बयान कोई भी धर्म का व्यक्ति देवे वो हिंदुस्तान में, राजस्थान में कतई बर्दाश्त नहीं है। सरकार जिसकी भी हो कार्रवाई करनी चाहिए, और सरकार तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की है। अब ये सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि हम कमेटी बनाएंगे, जांच कराएंगे, दिखवाएंगे, पता करवाएंगे। तो आपने भी देखा है पिछले दिनों जितने भी बयान आए, जितने भी हरकतें हुई है देश में, प्रदेश में, उनकी जांचें चल रही है, बयान आ रहे जा रहे हैं, सब चलता रहता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ देश की एकता, प्रदेश की एकता, अखंडता, प्यार मोहब्बत मत बिगाड़िए। मैं आपके चैनल पे, फर्स्ट इंडिया चैनल पे सभी धर्म गुरुओं से अपील करूंगा, देश हम सबका है, प्रदेश हम सबका है, सभी जाति सभी धर्म मिलके इसमें रहते हैं, और प्यार मोहब्बत से रहिए, प्यार मोहब्बत से सबको रखिए, ऐसा संदेश दीजिए ताकि हम सब लोग आगे बढ़े, प्रदेश और हमारा देश आगे बढ़े। ठीक है, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है सर। एक क्वेश्चन आलम साहब, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि सवाल सबसे ज्यादा आपकी तरफ ही खड़े होते हैं और आप जान रहे मैं क्या कह रहा हूं। क्या वाकई में इस बयान का असर, सही सही कहिएगा, 20% लोगों पर भी होगा? किससे, मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल आपसे पूछ रहा जी। 20% लोगों समझता हूं कि बात परसेंटेज की नहीं है, बात है असल मायनों में सोच, मानसिकता और संस्कार की। इस तरह के बयानों के कौन लोग फॉलोवर हो सकते हैं, इस तरह के लोगों के कौन लोग जो है फैन हो सकते हैं, ये उनकी मानसिकता पर डिपेंड करता है। आप यकीन मानिएगा 20% क्या 2% लोगों पर भी इसका असर नहीं होगा। सर, मुस्लिम संगठन क्या उनके खिलाफ कोई अपील करेंगे या कोई ऐसा बयान देंगे सामूहिक रूप से जो बताया जा सके कि देखिए अकेला आदमी एक तरफ खड़ा है और पूरा मुस्लिम समाज एक तरफ खड़ा है? देखिए सर, मुस्लिम संगठन बयान दे या नहीं दे, मैं देने के लिए तैयार हूँ, और भी मुस्लिम संगठन देंगे। जब हम यकीन अस्सी नजर वो तो आपका आलम साहब व्यक्तिगत बयान हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल किया है विजेंद्र जी ने, जो मैं कहना चाह रहा था वही सवाल किया है। अब आप व्यक्तिगत विचार हो जाएगा, आप आपका कोई मुस्लिम समाज या मुस्लिम संगठन कोई आगे आकर कोई अपील या निंदा नहीं करने वाला है, यही मैं बात करना चाहता हूँ। प्रोग्राम क्लोज करना है सर, आप अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष होने के नाते आप एक संस्था के अध्यक्ष हैं, इसी नाते मैंने बात करी थी। अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा की, आपकी तरफ से निंदा होगी इसकी? मैं अपने बिल्कुल मैं अपने तरफ से कह रहा हूं कि अध्यक्ष होने के नाते संगठन की तरफ से निंदा भी होगी, और इस बात के लिए उनको पाबंद किया जाएगा कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान आपने दिए। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र गुर्जर जी, राजकुमार शर्मा जी, घनश्याम हरदेनिया जी और सैयद साहिब आलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। देखिए जो बयान दे रहे होते हैं ना, इन बयान के पीछे वो कट्टरता छिपी होती है जो समाज को लड़वाती है, और मैं गारंटी से कह रहा हूं जब इस तरीके की हिंसा घटती है ये लोग चार कमरे अंदर जाकर छुप जाते हैं, इन तक कोई आंच नहीं पहुंचती है। आम आदमी ही मरता है, आम आदमी ही पिसता है, आम आदमी का ही घर फूटता है। इसलिए इन लोगों के चक्कर में मत आइए, इनके बयानों को ऐसे समझिए मानिए कोई सरफिरा बयान देकर चला गया। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। ये तो इंतहा हो गई, अगर हिंदू एक होकर रहेंगे तो फिर हम मुसलमान ये बात कहेंगे? फिर फूल तो बरसेंगे नहीं, जो हुआ तो यही होना था।